हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मैम रीजनिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको एलसीएम लेने का एक नया कंसेप्ट सिखाऊंगी। मात्र 2 से 3 सेकंड्स में आप एलसीएम लेना सीख जाओगे इस वीडियो के बाद। अगर आप लोग न्यू आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सभी लोग मिलकर प्रियल मैम रीजनिंग को शेयर कीजिएगा अपने बाकी दोस्तों को, और एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एलसीएम का एकदम शॉर्टेस्ट तरीका, कम कम से कम समय में कैसे आप एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एलसीएम को। सबसे पहले हम वही पुराना तरीका जो हम लोग हमेशा देखते हैं वो देखते हैं। अगर आपको 24, 30 और 40 का एलसीएम लेना होगा तब क्या करोगे? सबसे पहले इसके फैक्टर्स लो। 24 का मतलब क्या हो गया, देखिए कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24। 24 का मतलब कितना हो गया, 8 3 जा 24। 8 का मतलब 2 की पावर 3 × 3 हो गया। 30 का मतलब 6 5 30। टुकड़े करना का सीखा करो आप लोग। 6 5 30 6 × 5, 6 का मतलब कितना हो गया, 2 3 जा 6, तो 2 3 और 5 का मल्टीपल ये हो गया। 40 का मतलब 8 5 जा 40, 8 का मतलब 2 की पावर 3, इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एलसीएम को हम लघुतम भी बोलते हैं, आपको पता ही है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एलसीएम एलसीएम का आपको जिस्ट मिल जाएगा कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या, कैसे निकालते हैं। सभी को पता है लघुतम, इस लोवेस्ट का मतलब जो एलसीएम में लगता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है, देखिएगा। 24 को हमने लिखा 2 की पावर 3 × 3, 30 को लिखा 2 × 3 × 5, 40 को लिखा 2 का क्यूब × 5 लिख दिया। अब एलसीएम कैसे निकाले, फैक्टर्स हमने लिख लिया, अब एलसीएम कैसे निकालेंगे। अब देखिए हाइएस्ट पावर, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का कितना होगा, हाईएस्ट पावर को, हाईएस्ट पावर को देखना है हमें, केवल केवल का देखना, हाईएस्ट पावर। जैसे कि 2 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, सबको मिला के देखेंगे तो सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 2 की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, मल्टीप्लाई में 3 देखते हैं, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, केवल एक बार 3 आया हुआ है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, मतलब एक ही बार आया हुआ है एक बार। 5 कितनी है, एक बार, तो ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 3 24 24 5 जा 120, कितना हो जाएगा, 120 आपका सही आंसर आ गया। समझ में आया कैसे निकाला हम लोगों ने, क्लियर हुआ आपको? तो दिमाग में थोड़ा सा हिंट गया किस टाइप से हम निकाल रहे हैं। पहले हम इसको फैक्टर में चेंज करेंगे, फैक्टर में चेंज करने के बाद हम हाईएस्ट पावर देखेंगे, मैक्सिमम पावर उस फैक्टर की कितनी है। 2 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 3 है, ये मत देखना 3 1 और 3 3 और 3 6 और 1 7, 7 नहीं लिखेंगे। 24 में इसकी पावर मैक्सिमम 3 है, 30 में इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, और 40 में इसकी मैक्सिमम पावर 3 है, तो मतलब हाईएस्ट पावर हर किसी के अंदर कितनी आ रही है, मैक्सिमम 3 आ रही है। अब इसको देखिए, दूसरा सवाल देखिए, ये है आपका टाइप मैथड 1। पहले हम फर्स्ट मैथड से देखते हैं, मैथड 1 है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 5 5 को हमने कैसे लिखा, 5 को 5 ही हो जाएगा, 6 का मतलब 2 × 3 हो गया, 10 का मतलब 5 × 10 हो गया। इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है, 5 आ रहा है, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 ही लिखेंगे। 2 आ रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी है, केवल 2 ही है। 3 आ रहा है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो कितना हो गया, 3 2 6 6 30, कितना हो जाएगा, 30 आपका एलसीएम हो गया। क्या हो गया, 30 आपका एलसीएम हो गया। बात समझ में आ गई सभी को, हाईएस्ट पावर का मतलब समझ में आया कि इसमें हाईएस्ट नाम इसका लोएस्ट है, पर इसमें पावर कौन से लेते हैं, हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं। ये आपको सोचने वाली बात है कि बहुत बच्चे सोचने जाते हैं कि लो है तो लोएस्ट पावर लेंगे, नहीं, हाईएस्ट पावर लिखे इसके अंदर। ठीक है, ये तो आपका था एक नॉर्मल तरीका जो हर बच्चा करता है, मतलब 99% लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं, पर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे पास एक और तरीका है। अब देखो सेम सवाल लेके आ रही हूँ मैं आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, ये देखिए सेम क्वेश्चन है, हम तरीका दूसरा इस्तेमाल करेंगे, हिडन पावर का मेथड इस्तेमाल करेंगे हम, किसका, हिडन पावर का। नंबर वही है 24 30 और 40, सेम नंबर है 24 30 40। अब हमें इसका क्या लेना है, एलसीएम ही लेना है, एलसीएम ही लेना है हम इसका, कैसे लेंगे सोचिए। सबसे बड़ी वैल्यू को देखो, 40 ले लिया, 40 का टुकड़े किए 10 × 4, तो हमने मान लिया एलसीएम कितना है, 10 × 4, ये है नहीं अभी, हमने मान लिया। अब 30 को उठाया, 30 में 10 तो आ गया पर 30 का 3 नहीं आया यहाँ पे, 30 का 10 तो आ गया पर 3 नहीं आया, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। ठीक है, अब देखिए 24 को देखिए, 24 का में क्या है, 8 है, 8 3 24, 3 आ चुका है यहाँ पे, और 8 में क्या है, 3 बार 2 है, 8 में क्या है, 3 बार 2 है, 2 बार 2 तो यहाँ आ गया और 1 बार 2 इसमें आ गया, मतलब 3 और 2 यहाँ पे आ गए, तो एलसीएम कितना हो गया, 4 3 12 × 10, 120, कितना हो गया, 120। तो ये आपका सबसे अच्छा तरीका, स्मार्ट जो कहते हैं हम लोग, स्मार्ट जो तरीका है वो यही तरीका है एलसीएम निकालने का। सबसे बड़ी वैल्यू उठाओ,
उसमें देखो कि बाकी वैल्यूज का क्या चीज नहीं आई है। 30 का हमने 3 नहीं आया वो काउंट कर लिया, 24 का सब कुछ आ चुका था, 3 भी आ चुका था, और 8 मतलब 3 बार 2 भी इसमें आ गया, 2 बार यहाँ पे और 1 बार यहाँ पे 2 भी आ गया। तो आंसर कितना हो गया आपका, 120 आपका एलसीएम हो गया। समझ में आया आपको, बहुत अच्छा और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है एलसीएम लेने का। एक सवाल और करते हैं, देखिएगा क्या है, 5, 6 और 10 जो भी मैंने सिखाया आपको सेम। अब देखो क्या करोगे, 10 को उठाया सबसे बड़ा ये 5 × 10, 5 × 2 10 हो गया। अब देखो 5 तो आ चुका है, जरूरत नहीं है। 6 में देखो, 6 में क्या क्या है, एक 3 है और एक 2 है, 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, सॉरी 2 तो आ चुका है, 3 नहीं आया, इनटू का 3, 3 × 6 = 30 कितना हो जाएगा, 30 आपका एलसीएम हो गया। एकदम करेक्ट आंसर है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा हिडन पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप न्यू आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार आप लोगों ने देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि रेगुलरली हम आपके सामने एक से एक बेहतरीन तरीका लेके आएंगे आपकी कैलकुलेशन को, आपके एग्जाम्स को ईजी करने के लिए। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल वापस से। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।